नमस्ते दीदी। अरे खुशी, तुम यहाँ? दीदी भैया ने बुलाया था। भैया ने तुम्हें? क्यों? दीदी वो भैया से ही पूछिए। सुनो, तुमने खुशी को बुलाया है क्या? हाँ, हमें एक मेड चाहिए थी ना। तुम्हें नहीं पता कि वो शेड्यूल कास्ट है? यार शेड्यूल कास्ट है तो क्या हुआ? तुम अच्छे से ये बात जानते हो कि जब वो मामा जी के यहाँ काम करती थी ना, तो मैं उस घर का पानी भी नहीं पीती थी, और उसको तुम मेरे घर में लेके आए। तुमने उसका काम देखा है ना, मामा जी के घर में पूरा काम वो अकेले संभालती थी। सारा काम अकेले करने का मतलब ये नहीं है कि इससे उसकी कास्ट बदल जाएगी। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अरे तो और ढूंढ लेंगे थोड़े दिन। दो महीने से ढूंढ ही तो रहे हैं, कोई मिला? अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, अब जो है यही फाइनल है। शेड्यूल कास्ट। तुम क्या कर रही हो उस किचन में? भैया के लिए खाना बना रही थी। तुमको किसने बोला खाना बनाने के लिए? तुम्हें किचन में आने के लिए किसने बोला? निकलो मेरे किचन से बाहर, पूरी किचन धोनी पड़ेगी मुझे ये वापस। पता नहीं क्या करती है, आ जाती है। क्या कर रही हो तुम ये? पेड़ में पानी डाल रही हूँ। किसने बोला तुम्हें पेड़ में पानी डालने के लिए? किसी ने नहीं, पेड़ सूख रहा था तो पानी डाल रही थी। पेड़ सूख रहे थे तो सूखने देती ना उन्हें। पता नहीं अब ये पेड़ बचेगा भी कि नहीं, तुम्हारा हाथ जो लग गया है। अब कैसा फील कर रही हो? पहले से बेहतर। गुड। अच्छा सुनो, मेरी एक मीटिंग है, मैं फटाक से अटेंड करके तुम्हारे पास आया। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, ओके। दीदी पानी। तुम कर क्या रही हो इस घर में? जी दीदी। जब से तुम इस घर में आई हो तब से सब बुरा ही बुरा हो रहा है, अभी भी तुम मेरे घर में ही हो। एक सेकंड में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी मनहूस शक्ल लेके यहाँ से चली जाओ। निकलो तुरंत अभी तुम यहाँ से जाओ। आ गए आप? हाँ, कैसी हो तुम? पहले से बेहतर। गुड। खुशी एक गिलास पानी लाना। खुशी नहीं है घर में। घर पे नहीं, क्यों? मैंने उसे काम से हटा दिया। जब से उस लड़की की परछाई इस घर में पड़ी है तब से सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है। मैं उस मनहूस लड़की की शक्ल अपने घर में एक मिनट भी नहीं देख सकती। तुमने उसके शेड्यूल कास्ट होने की वजह से उसे काम से निकाल दिया ना? तुम्हें पता भी आज क्या हुआ था? आज गार्डन में जब तुम टहल रही थी और तुम्हें चोट लग गई तो उसी लड़की ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। आ, दीदी! आ, आ, आ। खुशी ने तुम्हें अकेले न सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाया बल्कि अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई है, और तुम्हें उसके शेड्यूल कास्ट होने से इतनी ही नफरत है तो उसका ब्लड जो तुम्हारे शरीर में बह रहा है उसको भी बाहर निकाल कर फेंक दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी ऐसी घटिया सोच पर। आई कांट बिलीव इट। दीदी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। लिसन, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे पास शब्द नहीं है माफी मांगने के लिए, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कोई बात नहीं, मुझे आदत है इसकी। मेरी कास्ट की वजह से हमेशा मुझे ये सहना पड़ता है, लेकिन अब
इस घर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। घर तुम्हारा है, आज से इसे अपने घर की तरह सजाओ। आज से तुम हमारे ही परिवार का हिस्सा हो।